कल आसाम के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण दिन होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आसाम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी तथा तमाम नेतृत्व आसाम की उपस्थिति रहते हुए लगभग 3400 करोड़ रुपया के विभिन्न प्रोजेक्ट भारत सरकार के और आसाम सरकार के कल यहाँ कुछ प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया जाएगा, कुछ प्रोजेक्ट का शुरू किया जाएगा। उसमें से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बोंगाईगांव की रिफाइनरी की एक्सपेंशन और उसमें ज्यादा एलपीजी उत्पादन हो, क्योंकि इन दिनों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पूरा नॉर्थ ईस्ट में लगभग 60 लाख नए कनेक्शन लगे हैं, उसमें से आसाम के अंदर 45 लाख तक नए कनेक्शन लगे हैं। इसके लिए हमको यहाँ की रिफाइनरी के अलावा बाहर से एलपीजी लाना पड़ता था। अभी इस बोंगाईगांव की इंडमैक्स एडिशन के बाद ये काम हमको यही पूरा हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई है भारत की सब माताओं को धुआं से मुक्त करना, ना केवल कनेक्शन देना, उनको एलपीजी यही बना के देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होगा। उसके अलावा ऑयल इंडिया की दो प्रोजेक्ट हैं, आसाम सरकार की दो इंजीनियरिंग कॉलेज की भी एक का शुरुआत किया जाएगा, एक का शिलान्यास किया जाएगा। अपर आसाम में ये सारे प्रोजेक्ट की लोकार्पण और लोअर आसाम में बोंगाईगांव रिफाइनरी की लोकार्पण, यही आसाम को नई ऊंचाई तक ले जाएगी। पिछले 6 साल में भारत सरकार की पेट्रोलियम विभाग की ओर से लगभग 95,000 करोड़ की प्रोजेक्ट आसाम के अंदर चली रहा है। कुछ प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, हो भी चुका है, कुछ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम आसाम को ऊर्जा में, एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाएंगे, ना केवल आसाम, पूरा नॉर्थ ईस्ट को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है। पूर्वोत्तर भारत, भारत के साथ इकट्ठा रहते हुए आगे जाए, ये मोदी जी की कल्पना है। देखिए, यहाँ पहली बार जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पूर्वी भारत में उत्तर प्रदेश की फूलपुर से चल के बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा था, हल्दिया और धामरा तक, बरौनी से उसी पाइपलाइन को हम फास्ट फेज में गुवाहाटी तक लेके आ रहे हैं। काम पूरा प्रगति हो रही है, तेजी से चल रहा है। गुवाहाटी से आगे आसाम तथा नॉर्थ ईस्ट के अन्य सारे राज्य, 7 सेवन सिस्टर और सिक्किम, 8 राज्यों को नेचुरल गैस पाइपलाइन पहली बार पहुंचेगा। इंद्रधनुष गैस कंपनी बना के उस काम को जारी किया गया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी की कैपेसिटी को बढ़ा के 9 मिलियन टन तक ले जाया जाएगा। आईओसी बंगाईगांव रिफाइनरी की कैपेसिटी जो आज 2.7 है, उसको बढ़ा के 5 मिलियन टन तक ले जाएगा। ओएनजीसी ऑयल अपने ऑयल प्रोडक्शन क्षमता आसाम के अंदर ज्यादा निवेश करके बढ़ा रहे हैं। बीसीपीएल ठीक ठाक चालू हो गया है, गेल उसकी जिम्मेवारी संभाला है। आने वाले दिनों में बीसीपीएल की कैपेसिटी और बढ़ाई जाएगी। यहाँ की पेट्रोकेमिकल की एंसिलरी इंडस्ट्री हो, विशेष करके डिब्रूगढ़ में हो, जिस कारण यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। इसीलिए मैंने कहा कि 95,000 करोड़ की प्रोजेक्ट इन्हीं दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल के अंदर प्रोजेक्ट हम नॉर्थ ईस्ट के लिए, विशेष करके आसाम के लिए शुरू किए हैं। इसी में से यहाँ की राजस्व बढ़ने वाला है, यहाँ की रोजगार बढ़ने वाला है। एबे निजो मोबाइल रे ऑर्गस न्यूज रो ऐप माध्यम रे आपण देखि परिबे लेटेस्ट अपडेट्स आउ लाइव गूगल प्ले स्टोर किबा एप्पल ऐप स्टोर आज ही डाउनलोड करंतु ऑर्गस न्यूज ऐप इंस्टॉल करंतु निजो मोबाइल रे बस खबर बे आपण को हाथ पहांता रे आपण भी जोड़ी होंतु ऑर्गस सहित ऑर्गस रो नुआ ऐप रे सत्य रो संधान रे ऑर्गस सब पळे लोकों का साथ रे।